सो हे गाइस, आज मैं आपके लिए लाया हूँ 35 फीट बाय 35 फीट का एक बेहतरीन हाउस प्लान। तो देखिए कैसे मैंने इस प्लान को तैयार किया हुआ है। ये पूरा प्लान मैंने वास्तुशास्त्र के गाइडलाइंस के हिसाब से रखा है। इसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। 3 बेडरूम्स इसमें रखा है मैंने, एंड पूजा रूम, स्टोर एंड 2 कॉमन बाथरूम एंड अटैच बाथरूम्स, एंड और बहुत कुछ है। लॉन भी आपका है, पार्किंग भी है। सो देखिए कैसे मैंने इसको तैयार किया हुआ है। मेरे वॉइस के बैकग्राउंड से आपको ड्रम्स की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो ये ड्रम्स की आवाज़ आ रही है। आज हमारे मुस्लिम भाइयों का त्यौहार है, इसीलिए आपको ये ड्रम्स की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। सो मैंने इस प्लान का आउटर वॉल ड्रॉ कर दिया है, उसके बाद से मैं इसका इनर पोर्शन जो है उसको ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर आपको इसमें कुछ पूछना है या आपके कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट में पूछो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। क्योंकि एक हाउस प्लान, हाउस कंस्ट्रक्शन इतना आसान भी नहीं है। सो आपके कुछ जो सवाल होंगे वो पूछ सकते हो। मेरे पास जितना नॉलेज है मैं आपको प्रोवाइड करने की बहुत पूरी कोशिश करूँगा। बेसिक बिल्डिंग पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स: फर्स्ट फाउंडेशन, सेकंड प्लिंथ, थर्ड वॉल्स, फोर्थ कॉलम्स एंड पियर्स, फिफ्थ ग्राउंड बेसमेंट एंड अपर फ्लोर, सिक्स्थ डोर्स, विंडोज एंड वेंटिलेटर्स, सेवन सील्स, लिंटल्स एंड वेदर शेड्स, एट्थ स्टेयर्स, 9 रूफ एंड स्लैब्स, 10 बिल्डिंग फिनिशेस एंड 11 बिल्डिंग सर्विस एंड यूटिलिटी फिक्चर्स। ये कुछ बिल्डिंग के बेसिक्स पार्ट्स थे जो मैंने आपको बताया, जितने मेरे को नॉलेज है। सो एंड इससे पहले आपको अपना बिल्डिंग का प्लान देखना है। जो अगर बिल्डिंग का प्लान अच्छे से नहीं आपका होगा तो आपका बिल्डिंग भी अच्छा नहीं होगा। सो पहला आपका बिल्डिंग प्लान जो है वो अच्छा होना चाहिए, एंड वास्तु के हिसाब से है होना चाहिए। तो देखिए अब ये प्लान ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुका है। मैं इसका मेन गेट का जो है उसको ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके बाद से मैं इसको आपको कलर करके दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। इसका डोर्स, वेंटिलेशंस एंड विंडोज, तो बने रहो वीडियो के अंत तक। मैं पूरा श्योर हूँ गाइस, ये प्लान आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इसमें जो नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड करूँगा वो भी आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो देखिए कैसे ये पूरा हाउस प्लान में कंप्लीट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक अच्छे बिल्डिंग की क्या रिक्वायरमेंट्स होती है ये देखिए। फर्स्ट स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी, सेकंड डायमेंशनल स्टेबिलिटी, थर्ड बिल्डिंग इकोनॉमिक्स, फोर्थ कंफर्ट एंड कन्वीनियंस, और बहुत ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बिल्डिंग को अच्छा बनाती है। चलो अब मैं आपके साथ इसका डायमेंशन शेयर करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये मेन गेट, उसके बाद से एंटर करेंगे अपने घर के अंदर। तो सबसे पहला ये पोर्च, जिसका साइज मैंने रखा है 9 फीट बाय 7 फीट का। उसके बाद से अपना ये 3 फीट वाइड लॉन, ये एक प्लस पॉइंट है और ये बहुत अच्छा होगा, आपके घर को अच्छा लुक देगा। उसके बाद से ये मैंने डोर एंड विंडोज आपके साथ ये शो किया है, तो जिसे आपको अच्छा रहेगा समझने में। सो आगे देखिए मैं इसका पूरा डायमेंशन आपके साथ शेयर करूंगा। डोर का साइज, बेडरूम का डोर का साइज क्या रखना है, किचन का साइज डोर का साइज क्या रखना है, पूजा रूम, स्टोर रूम, बाथरूम, कॉमन बाथरूम, ये सब डोर का, विंडोज का साइज क्या रखना है। एंड उसके बाद से अपना ये बेडरूम, जिसका साइज मैंने रखा है 11 फीट बाय 12 फीट का। उसके बाद से ये अपना अगला अटैच्ड बाथ कम लेटरिन, जिसका साइज मैंने रखा है 5 फीट बाय 7 फीट का।
उसके बाद सी एक कॉमन बाथ एंड लेटरिन, जिसका साइज मैंने रखा है 7 फीट बाई 5 फीट का, दोनों सेम ही रखा है मैंने। उसके बाद से अपना ये बेडरूम, जिसका साइज मैंने रखा है 11 फीट बाई 12 फीट का। उसके बाद से बढ़ते हैं अपने लिविंग हॉल की तरफ, जिसका ये एक बेहतरीन लिविंग हॉल होगा, जिसका साइज मैंने रखा है 10 फीट 4 इंच बाय 14 फीट 9 इंच, इतने में यहाँ पे अच्छा रहेगा। और मेन डोर का साइज मैंने रखा है 4 फीट, जिससे आपको बहुत अच्छा रहेगा ये। उसके बाद से अपना ये डाइनिंग एरिया, इसका साइज मैंने नहीं शो किया है आपके, आप कमेंट में बताओ, मैं इसका स्पेस शो कर दूंगा। उसके बाद से अपना ये किचन, जिसका साइज मैंने रखा है 11 फीट बाई 11 फीट का, बहुत ही बड़ा किचन है। उसके बाद से अपना ये स्टोर, जो किचन से अटैच्ड है, 6 फीट बाई 6 फीट का रखा है मैंने। एंड उसके बाजू में पूजा रूम रखा है 6 फीट बाई 4 फीट 7 इंच का पूजा रूम। एंड दिस इज आवर लास्ट बेडरूम, जिसका साइज मैंने रखा है 12 फीट बाई 11 फीट का। उसके बाद से अपना ये स्टेयर, यहाँ से आप बहुत ही बेहतरीन स्टेयर केस का यहाँ पे प्रोविजन किया है मैंने, 3 फीट 3 इंच वाइड एंड ऐसे भी 3 फीट 3 इंच रखा है, जो बेहतरीन बैठेगा आपके हाउस के साथ। और ये हाउस प्लान अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ जो आपका हाउस कंस्ट्रक्शन में बहुत हेल्पफुल होंगे। कॉलम साइज आपको रखना है 10 इंच बाय 12 इंच का, 16 mm का टोर यूज़ करना है 4। बिल्डिंग कॉस्ट आपका आएगा 15 to 18 lakhs। विंडो साइज 4 फीट बाई 5 फीट, 3 फीट बाई 5 फीट एंड 3 फीट बाई 4 फीट, जो भी आपको अच्छा लगे रख सकते हो। वेंटिलेशन साइज 2 फीट इंटू 1 फीट। डोर साइज आपको रखना है 3 फीट 6 इंच इंटू 7 फीट एंड टॉयलेट पूजा रूम स्टोर, इसका साइज रहेगा 2 फीट 6 इंच इंटू 7 फीट। सो यही है आज का प्लान गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।